Hello everyone, I am Dr. Chamanjot Kaur. I'm consultant neurologist at Healing Hospital, Sector 34, Chandigarh. आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक बहुत ही कॉमन टॉपिक विच इज हेडेक. आपने मैंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में हेडेक जरूर एक्सपीरियंस किया है. एंड नॉर्मली हम क्या करते हैं जब हेडेक होता है? वी यूजुअली टेक अ पेन किलर, किसी केमिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ से ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके वी टेक द मेडिसिन, हेडेक हमारा ठीक हो जाता है. पर कई हेडेक्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें एक न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है. जैसे कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ ऐसे ही रेड फ्लैग्स इन द केस ऑफ हेडेक. अगर इन रेड फ्लैग्स में से कोई भी रेड फ्लैग आपके हेडेक के साथ एसोसिएटेड है, देन इट मींस कि ये एक सिंपल हेडेक नहीं है, आपको इंटरवेंशन की ज़रूरत है. सो दीज रेड फ्लैग्स आर, अगर हेडेक के साथ आपको एसोसिएटेड वॉमिटिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और एक साइड की पैरालिसिस जैसी फीलिंग आ रही है, सुन्नपन हो रहा है, तो इट कुड बी द साइन ऑफ ब्रेन पैथोलॉजी. तो आपको सिंपल ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लेनी है. अगर आपका हेडेक कफिंग के साथ, मतलब खांसी करते हुए या छींकते हुए बढ़ जाता है, तो ये एक नॉर्मल हेडेक नहीं है. इट कुड बी द साइन ऑफ सम पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर, मतलब ब्रेन के पिछले हिस्से में कोई ना कोई ट्यूमर हो सकता है, उसकी वजह से इस तरह का हेडेक रहता है. अगर आपको हेडेक के साथ साथ, सपोज करो एक आंख, एक साइड में आपका हेडेक हो रहा है और साथ में वो हेडेक आपकी आई में भी आ रहा है, विच इज कॉल्ड रेट्रो ऑर्बिटल पेन, तो ये एक नॉर्मल हेडेक नहीं है. इट कुड बी द साइन ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस. यू हैव टू बी अवेयर ऑफ, आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि अगर हेडेक आंख में जा रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है. अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो कुछ मे बी कुछ घंटों में, कुछ दिनों में आपकी आंख की निगाह भी जा सकती है. नॉर्मल जो टेंशन टाइप हेडेक होते हैं उनका वेरिएशन रहता है. जो टेंशन हेडेक्स होते हैं, सुबह उठते हैं तो कम होते हैं, शाम तक जाते जाते सर दर्द बढ़ जाता है. दिस इज अ नॉर्मल टेंशन हेडेक. बट अगर आपका हेडेक अर्ली मॉर्निंग हो रहा है या आपको, आप सो रहे हैं रात में और आपको सडनली उठना पड़ रहा है हेडेक की वजह से, दिस इज नॉट अ नॉर्मल हेडेक. इट कुड बी द साइन ऑफ ब्रेन का प्रेशर बढ़ने का ये एक साइन हो सकता है, तो इसको इग्नोर नहीं करें. अगर आपके ब्रेन का प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपको इस तरह के हेडेक्स होंगे और ये हेडेक्स काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आपकी निगाह भी जा सकती है. और रेड फ्लैग साइंस हो सकते हैं, इफ़ यू आर अ प्रेग्नेंट लेडी या आप पोस्टपार्टम हैं, कहने का मतलब अभी कुछ दिनों पहले, हफ्तों पहले आपकी डिलीवरी हुई है और आपको हेडेक्स होना स्टार्ट हो गया है, ये एक नॉर्मल हेडेक नहीं है. आप सिंपल डोलो या क्रोसिन की गोली नहीं खानी है, ये एक सीरियस समस्या हो सकती है जिसको हम कहते हैं ब्रेन में वीनस थ्रोम्बोसिस होना, जिसका हमें अप्रोप्रिएटली इलाज कराना पड़ेगा. तो आपको इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है. नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आपकी एज 50 ईयर्स से ज़्यादा है और आपको अभी हेडेक्स होने शुरू हुए हैं, तो ये नॉर्मल माइग्रेन या नॉर्मल हेडेक नहीं है. इट कुड बी जॉइंट सेल आर्थराइटिस, जो एक वैस्कुलाइटिस होता है. ये नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं होगा, इसके लिए आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा ताकि आपका एक डायग्नोसिस प्रॉपर हो और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि मान लो आपको हेडेक्स पिछले 3 साल 4 साल से हेडेक्स चल रहे थे, बट अभी कुछ दिनों से आपके हेडेक्स बढ़ गए हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है और इंटेंसिटी भी बढ़ गई है. जैसे मान लो पहले बहुत डल हेडेक्स रहते थे, अभी बहुत तेज़ शार्प पेन्स होने शुरू हो गए हैं, तो दिस कुड बी द साइन कि ब्रेन में कहीं ना कहीं कोई पैथोलॉजी है या कोई ट्यूमर है या ब्लड वेसल्स की थ्रोम्बोसिस हो गई है, मतलब क्लॉटिंग हो गई है. तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है. कभी भी रीसेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी को आपने लाइटली नहीं लेना है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको हेडेक, सपोज करिए आज या कल कुछ दिनों में हेडेक शुरू हुआ है एंड वो बहुत तेज़ हेडेक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कभी वो हेडेक उस तरह का एक्सपीरियंस ही नहीं किया है,
तो दिस कुड बी द साइन ऑफ ब्रेन हेमरेज ऑल्सो, जिसको हम सब रेकनोइड हेमरेज कहते हैं, विच इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग थिंग. तो आपको इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है. आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि वो प्रॉपर डायग्नोज कर सकें. अगर आपको रूटीनली हेडेक्स रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पिछले साल दो साल से हेडेक्स हैं, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि सिंपल केमिस्ट के पास जाएंगे और ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं. अपने पास स्ट्रिप्स रख ली मेडिसिन की, सर दर्द होगा तो हम ये गोली खा लेंगे. बट उनका इन मेडिसिन के क्रॉनिक यूज़ से अगर आप यही गोली हफ्ते में चार बार पांच बार खाते जाएंगे फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और ईयर्स, अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज़ कि बॉडी इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है और हेडेक्स होने शुरू हो जाते हैं. तो कहने का मतलब मेडिसिन से ही हेडेक होना शुरू हो जाता है. इसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक बोलते हैं. तो अगर कभी भी आपको हेडेक्स हो रहे हैं तो बिना प्रिस्क्रिप्शन आप मेडिसिन नहीं लें, क्योंकि कभी कभी इन मेडिसिन की वजह से ही हेडेक्स होने स्टार्ट हो जाते हैं आपके. एंड इन रेड फ्लैग्स का हमेशा ध्यान रखें. इनमें से कोई भी रेड फ्लैग अगर आपको है तो प्लीज़ कंसल्ट योर न्यूरोलॉजिस्ट एट द अर्लीएस्ट सो दैट यू कैन बी डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड वेल इन टाइम. थैंक यू.